हम डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। इसमें से जो दो ब्रांचेज है, फर्स्ट मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, वो हमारे क्लास 11th के सिलेबस में है, और जो रिमेनिंग तीन ब्रांचेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये हमारे क्लास 12th के सिलेबस में स्टूडेंट्स। तो अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट मैकेनिक्स है वो हमारी क्लास 11th के जो चैप्टर्स, उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर को आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड है, दैट इज वो आपको तभी समझ में आता है जब आप फिजिक्स पढ़ लेते हैं। सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स यूनिट एंड मेजरमेंट है, जो कि पूरी फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और हम बात करें जहाँ से रियल फिजिक्स स्टार्ट होती है, तो जो हमारा चैप्टर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ और 14 15 जो चैप्टर है वो मैकेनिक्स के चैप्टर हैं, और हमारे 11 12 13 चैप्टर थर्मल फिजिक्स और थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा 30% आप मान सकते हैं थर्मल पार्ट, और 70% मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली मैकेनिक्स पार्ट। तो मैकेनिक्स पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि तो ये क्लास 12th की बात है। तो स्टूडेंट्स ये जो है, इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं।